पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज प्रधानमंत्री मोदी पर कई बड़े हमले किए। मनमोहन सिंह ने सरकार के नोटबंदी के फैसले को निशाने पर लिया। मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकार नोटबंदी को बोल्ड फैसला मानती है, लेकिन बोल्ड और डिजास्टर फैसलों में फर्क होता है। मनमोहन ने कहा कि बोल्ड फैसले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लिए थे। द गवर्नमेंट लाइक्स टू क्लेम दैट डीमोनेटाइजेशन वाज अ बोल्ड डिसीजन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोल्ड एंड डिजास्टरस डिसीजंस। इट वाज इंदिरा जी हु टुक मेनी बोल्ड डिसीजंस। शी अबॉलिश्ड द प्रिवी पर्सेस ऑफ द एर्थस्वाइल्ड प्रिंसेस and nationalized our banks. Most importantly, none of our decisions hurt the poor and the middle classes disproportionately. In fact, the unique nature of our banking system saved us from facing the worst of the global financial crisis in 2018. GST को लेकर भी मनमोहन सिंह ने सरकार पर निशाना साधा। सिंह ने कहा कि जीएसटी का आइडिया कांग्रेस का था, लेकिन सरकार ने इसका जो स्वरूप किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जीएसटी इज अ गुड आइडिया विच द कांग्रेस इनिशिएटेड एंड सपोर्टेड, बट द बीजेपी गवर्नमेंट वर्जन वाज पुअरली डिजाइन, बैडली इम्प्लीमेंटेड एंड ब्रॉट अबाउट इन ए हरी विद अ मिसगाइडेड फोकस ऑन हेडलाइंस एंड ड्रामा। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गुजरात के राजकोट पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि गुजरात में 9 दिसंबर को पहले चरण के लिए मतदान होना है, वहीं 14 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा और 18 दिसंबर को चुनाव का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। NMF न्यूज की रिपोर्ट।